आपको एक बात बताऊं, आपसे अच्छी खुशबू आती है, एक नेक इंसान की खुशबू। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कुछ गंध आ रही है, पर यह अच्छी नहीं है। हे यंशु, तुझे समझ में नहीं आता? तेरे जैसे लूजर को मर जाना ही ठीक है। हाँ तो इसका हुलिया मैं भी करता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। लूजर मुझे छोड़ दो। तो बेवकूफ सिर्फ भौंकना नहीं, काटना भी जानते हैं। अगर तुमने भी उनके जैसी बेवकूफी की तो तुम्हारा भी वही असर होगा, समझ गए? मुझे छोड़ दो, भाग जाओ, मैं अब थक गया हूं। मैं सोच रहा था कि जा रहा हूं तो काम अधूरा क्यों छोड़ के जाऊं। सारे साथ में तुम लोग यहां क्या कर रही हो? मिस जोम, ऑफिस में पुलिस वाले आए हुए हैं। पुलिस आई है, पर क्यों? तुम्हारी क्लास के 3 स्टूडेंट्स मिसिंग है ना? वो मैं स्कूल के बाद उन्हें कांटेक्ट करने ही वाली थी, पर उनमें से कोई भी कल रात घर नहीं लौटा। उनके पेरेंट्स ने कंप्लेन फाइल की है।
मैम, हाँ युनमी, आपसे बात करनी है। कहीं बाहर चल सकते हैं? तो बताओ, तुम उससे क्या बात करना चाहती थी? बुयुंग सुक के बारे में है। मैं हमेशा उससे दूर रहना चाहूंगी। पर इसका कारण क्या है? मुझे आपकी चिंता हो रही है। जिसने भी उसकी परवाह की है वो सभी परेशान हुए हैं। शायद यातना शब्द कहना सही होगा। वैसे कहें तो उन सबकी किस्मत खराब थी। क्या तुम मिंजी की बात कर रही हो? हाँ, और मीना भी। मिंजी के जाने के बाद उसने मीना को अपना शिकार बनाया। मीना बहुत ही फ्रेंडली और अच्छी लड़की थी। कोई भी उससे नफरत नहीं करता था। पर अब... और मीना के बाद उसका शिकार मैं हूं, है ना? हाँ, सभी बच्चों को पता है लेकिन कोई कुछ नहीं कहता जब तक वो खुद शिकार नहीं होते। आप अपना ध्यान रखिए मैम। मैम। ओ युंगसुक, लगता है आप किसी सोच में डूबे हुए थे। वो मैं उन मिसिंग बच्चों को लेकर थोड़ी परेशान हूँ। उन जैसे बच्चों के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या क्या इस घटना के बारे में तुम्हें कुछ पता है? क्या आपको लगता है कि मुझे कुछ पता होगा? अच्छा मैम, मैं अपना फोन लाया हूँ, आपका नंबर दीजिए ना। मेरा नंबर आप ही टाइप कर दीजिए। अच्छा यंगसुक सुनो, जब टीचर आवाज दे तो तुम्हें जवाब देना चाहिए, घूर क्या रहे हो? हाँ, तुम्हें स्टाफ ऑफिस आने को कहा था। उन मिसिंग बच्चों के लिए हमें मीटिंग करनी है, क्लास के बाद वहीं आ जाना। मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। क्या उनके सिर्फ एब्सेंट होने से इतना हंगामा हो रहा है? क्या कहा अभी तुमने? क्या कहा? जब मैं महीनों तक एब्सेंट था तब आपने कुछ नहीं किया, पर अब बड़ी चिंता हो रही है इसलिए कहा। चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की? हाँ, ऐसा मत करो। हाँ, कोशिश करने से भालू इंसान बन सकता है पर तुम कभी नहीं बदल सकते, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम निहायत ही डरपोक लड़के हो। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि हम तुम्हें यहां ले आए। उस टीचर को रोकने के लिए शुक्रिया। ठीक है, कल मिलते हैं। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें ये पसंद है ना, इसे खा कर देखो। लो। उसी बदमाश की वजह से हो रहा है ना। तुमने उस बच्चे के बारे में बताया था ना, तुम क्लास बदल क्यों नहीं लेती हो अपना? ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम ही क्यों दिखाई देती है? तुम्हें आइडिया नहीं है, काम करना इतना आसान नहीं होता। सही है, मैं कैसे समझूंगा, मैं तो बेरोजगार हूं ना। लेकिन तुम भी कोई बहुत सच्ची टीचर नहीं हो, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है। अब बस भी करो।
तुम हमेशा से ऐसी ही हो, प्रॉब्लम्स के पीछे भागती रहती हो, इसीलिए अब भी बिना दवाई के तुम्हें नींद नहीं आती है। ऐसी रहोगी ना तो कभी ठीक नहीं हो पाओगी। तो कोई अच्छी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेते हो तुम? यही हमारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ये कह रही हूं कि हमें कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए। कितनी आसानी से कह दिया, सोचा तो होता एक बार। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। हम दोनों का साथ अब ठीक नहीं। से क्या हो गया? हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैंने अपना लॉक फिक्स कराने के लिए फोन किया है। और कितना समय लगेगा? ऐसा लगता है ये टूटा तो नहीं है, लेकिन तो फिर बस ये बैटरी ठीक से काम नहीं कर रही है। क्या? मेरा मतलब है ये काम नहीं कर रहा था इस बैटरी के खराब हो जाने की वजह से। और इस वजह से आपने मेरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया। हो गया। अब अगर आपको इतना काम था तो आपको दरवाजा खुला छोड़कर चला जाना चाहिए था। मेरा मतलब वो नहीं था, माफ करना, पर मैंने हाल ही में बैटरी बदली थी, ये इतनी जल्दी खराब हो गई। अगर कोई भी लॉक खोलने के लिए इमरजेंसी बेल बजाता है तो ये जल्दी खत्म हो जाती है। शायद पीकर आपने कुछ ज्यादा ही बेल बजाई होगी। हाँ। आज आप लेट हो गई है मैम, आपका मेकअप खराब हो गया होगा। कमाल की बात है, तुम्हें ट्रेनीशिप एक मजाक लगता है। अगर यही चलता रहा तो मैं तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट नहीं दे सकता। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? माफी चाहती हूँ, जब मैं घर से निकली तो डोर का लॉक खराब हो गया था। अच्छा, समझ गया। डोर लॉक खराब होने से देर हो गई। चाहे मेरा सिर क्यों ना फूट जाए, फिर भी मैं स्कूल आता हूँ, फिर भी मैं 5 मिनट क्लास में पहले पहुँचता हूँ, और एक टूटे लॉक ने 20 मिनट बर्बाद कर दिया। ये क्या बेवकूफी है? जानती हो मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। नहीं नहीं, देखिए मुझे माफ कर दीजिए। सच में अगर तुम्हें माफी चाहिए तो मेरे लिए ड्रिंक मंगवानी होगी। क्या? तुम्हें माफी चाहिए ना, पर तुम मेरे लिए ड्रिंक नहीं मंगवा सकती। नहीं ऐसा नहीं है, ड्रिंक जरूर मंगाऊंगी। ठीक है, बाद में, तुम्हें काफी बिजी हूं, पर तुमने इतने प्यार से कहा है तो शाम को मिलते हैं। ठीक है, अजीब है मिस जंग, आप उसे इतना भाव क्यों देती हैं? कैसे मार सकती हूँ, मेरी गलती है। मिस जंग, आप बस निर्वाणा तक पहुंच चुकी हैं, आपकी शरण में आ रही हूं। आप सभी ने मिस जुंग से सारी चीजें ले ली हैं? यस सर। क्लास के बाद अपने इम्प्रूवमेंट सजेशन सबमिट कर देना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है।
ओके यस मैम आप ठीक हैं? आप ठीक हैं ना मैम? युनमी क्या हुआ था? वो आप बेहोश हो गई थी। मैं परेशान थी इसलिए यहाँ आई। शायद मेरी वजह से ये सब हुआ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं मैम मैं अभी जा रही हूँ। मुझे आपकी चिंता हो रही थी। देखो मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है मैम, मैं तो आप चुप रहो। मैंने कहा चुप रहो, कहा ना मैं ठीक हूँ। वो होमरूम टीचर आपको परेशान तो नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। अगर वो परेशान करे तो मुझे बताइए, मैं उन्हें अच्छे से समझाऊंगा। क्या? सिर्फ मैं ही आपको समझ सकता हूँ और कोई भी नहीं, बल्कि आपका बॉयफ्रेंड भी नहीं समझ सकता। तुम्हें उसके बारे में मैं कैसे? जानता हूँ आपका बुरा समय चल रहा है, आप अकेली हो गई हैं, मैं सब अच्छे से जानता हूँ। मैं बिल्कुल आपकी तरह हूं मैम, आपकी मदद कर सकता हूं। देखो युंगसुक, कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है पर मेरे काम में अपनी नाक मत घुसाओ। मुझे मैसेज भेजना बंद करो, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती हूं। क्लास शुरू हो गई होगी, तुम वापस जाओ।
मिस जुंग, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ऐसे में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। देखो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें सप्लीमेंट लेना चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मीट खाया करो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। चलो अब जल्दी मुंह खोलो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद खा लूंगी। मिस जुंग, देखो मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। वो क्या है ना, यहाँ पर मुझे कुछ भी रोमांटिक जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तो बस अपनी ट्रेनी को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था, और कुछ नहीं। चलो। वाओ, ये तो टेस्टी लग रहा है। हाय। वैसे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मिल लेते हैं। क्या हम भी ज्वाइन कर सकते हैं? क्यों नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा। तो फिर आज बिल कौन भर रहा है? वो मैं। ये कैसा सवाल है? आज का सारा बिल बेशक मिस्टर चोई सर ही तो देंगे ना। आखिर मैं फुल टाइम टीचर की सैलरी एक पार्ट टाइम ट्रेनी से ज्यादा होती है, तो बिल तो इन्हीं को देना पड़ेगा। सही कहा ना? क्यों नहीं, मैं भरूंगा सारा बिल, हमेशा मैं ही तो भरता हूँ। तुम लोगों को कुछ ऑर्डर देना है? मुझे तो फिश फ्राई पसंद है, 3 प्लेट खाऊंगी मैं तो। मीट अच्छा रहेगा। वो भी चलेगा? थे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सक्यूज मी, 3 प्लेट महंगा वाला मीट लाइए, फिश भी तो मंगवाओ। ये अच्छा आइडिया नहीं है। इन लोगों ने लगता है कभी मटन ही नहीं खाया था। इन लड़कियों ने तो मेरी आधी सैलरी ही मटन समझकर खा गई। सब के सब भुक्कड़ हैं, मैं तो बुरी तरह से लूट गया। हाय, अब मैं कभी मटन नहीं खाऊंगा। ये क्या है? ये पत्थर रास्ते में कौन बेवकूफ फेंक रहा है?